चंडीगढ़ में चुनाव प्रचार करने पहुंचे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि राहुल गांधी उस महान नेत्री के पोते हैं जिन्होंने पाकिस्तान के दो टुकड़े किए। मोदी जी वो व्यक्ति हैं जो बिना बुलाए पाकिस्तान जाते हैं और बिरयानी खाकर आते हैं। अटल जी बस में लाहौर गए थे, मोदी जी वहां के राष्ट्र अध्यक्ष को अपने शपथ ग्रहण में बुलाए थे। इनके संबंध में पाकिस्तान से है, कांग्रेस के संबंध में नहीं हो सकते। मोदी जी 10 जन्म ले लें तब भी नेहरू नहीं बन सकते। देखिए, आजकल प्रधानमंत्री जी बहकी बहकी बात कर रहे हैं। शुरुआत उन्होंने मुस्लिम लीग के एजेंडा शामिल होने की बात की घोषणा पत्र में, फिर बोले आपके मंगलसूत्र निकाल लेंगे, वो बात उन्होंने कही। फिर उसके बाद मछली मटन से लेके भैंस तक की बात आई। अब वो ट्रांस में चले गए हैं, बोलते हैं कि हो सकता है मेरी मां ने मुझे जन्म दिया हो, मतलब वो सामान्य व्यक्ति नहीं है। हम सब सामान्य व्यक्ति हैं जो माँ के गर्भ से जन्म ले, वो नहीं मानते उसको, उन्होंने कहते हैं परमात्मा से भेजा हुआ है। ये सारी बातें हैं जो बता रहा है कि उसके मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। राहुल गांधी जी उस महान नेत्री के पोते हैं जिन्होंने, इंदिरा जी ने पाकिस्तान के दो टुकड़े किए, और मोदी जी वो व्यक्ति हैं जो बिना बुलाए पाकिस्तान जाते हैं, बिरयानी खा खाते हैं, ये उनका है। अटल जी बस में लाहौर गए थे एक भी, और मोदी जी वहां के राष्ट्राध्यक्ष को अपने शपथ ग्रहण बुलाए थे, वो अकेले प्रधानमंत्री हैं। तो इनके संबंध है पाकिस्तान से, कांग्रेस का नहीं हो सकता। वो नेहरू जी को डिफेम करके अपना स्थान बनाना चाहते हैं, नेहरू जी के पैर की धूल नहीं है। मोदी जी 10 जन्म ले लें तब भी नेहरू जी नहीं बन सकते। उन्होंने देश की आजादी में सर्वाधिक समय जेल में बिताए, उन्होंने देश के नवनिर्माण किए। आज जितने भी इंस्टीट्यूशन दिख रहे हैं वो नेहरू जी के बनाए हुए हैं, और ये प्रजातंत्र की जड़ें मजबूत की उन्होंने। देखिए, जहां तक ये सरकार गिराने की बात है तो ये सरकार तो इनकी आदत ही है। आप गोवा देखिए, कर्नाटक देखिए, मध्य प्रदेश देखिए, अरुणाचल देखिए, सब जगह गिराने के काम किए हैं। तो इनके आदत में शामिल, क्योंकि लोकतंत्र में इनको विश्वास नहीं है। वो हमेशा इसी बोलते हैं, वो जुमला ही है।